मध्य प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार सुबह ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट गठित करने का फैसला किया है। पशुपालन, वन पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी सभी के साथ साझा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गौ कैबिनेट का गठन को लेकर कहा कि यह निर्माण स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा, गौ माता की रक्षा के लिए प्रदेश में 4000 गौशालाओं का निर्माण होगा। कमल पटेल ने कहा कि पहले भी शिवराज सरकार ने गौ माता की रक्षा के लिए कई कार्य किए हैं। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, हत्या करने पर कड़े नियम बनाए गए हैं। प्रदेश में गौधन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गौ कैबिनेट का गठन का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य कदम है। इससे मध्य प्रदेश में जो हमारी गौ माता है उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन इससे होगा। और हमारी पहली प्राथमिकता सरकार की कि हम गौ माता की रक्षा करें, और इसलिए पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर हमने रोक लगाई और कठोर कानून बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पे जो गौ माता घूमती है उसे दुर्घटनाएं होती है और लोगों के दुर्घटनाएं भी होती है, इससे लोग परेशान हैं। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता से लेते हुए गौ माता का संरक्षण संवर्धन और उनकी पूरी व्यवस्था करने के लिए गौशालाओं का भी निर्माण कर रहे हैं। 4000 गौशालाएं इसी साल बनेंगी और आने वाले समय में गौशालाओं का निर्माण करके गौ माता के पूरी तरह संरक्षण किया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।